So hi guys, in this video I am showing the how to unlock bootloader of any Realme devices. तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप Realme के किसी भी डिवाइसेस का बूटलोडर कैसे अनलॉक करें। तो गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करके बता देता हूं और अबाउट फोन में कि मैं कौन सा डिवाइस यूज करता हूं। सो गाइस Realme 2 Pro यूज कर रहा हूं। तो गाइस अब बता दूंगा आपको मैं लेकर एडिशनल सेटिंग्स में और बता दूं डेवलपर ऑप्शन में जाकर के। अगर आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन अनेबल नहीं है तो गाइस सिंपली आपको अबाउट फोन में जाना है और वर्जन के ऊपर 7 बार टैप करके आपको यहां पर आ जाएगा यू आर नो डेवलपर का ऑप्शन। उसके बाद गाइस आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस अब आप देख लें मेरी OEM अनलॉकिंग, इसको अनेबल कर देता हूं, इनेबल हो चुकी है, लेकिन गाइस मेरा बूटलोडर अनलॉक नहीं है, इसलिए गाइस ये OEM अनलॉकिंग अनेबल हुई है। तो गाइस अब हम इस वीडियो में Realme के किसी भी डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक कैसे करें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को देना लाइक, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए गाइस सबसे पहले करते हैं बात। तो गाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं गाइज, उनमें से आपको इन डेप टेस्ट ऐप का लिंक डाउनलोड करके उस ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइज मैंने ये ऐप डाउनलोड कर रखी है इन डेप टेस्ट। तो गाइज इसको अनेबल इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको अप्लाई टू एग्जिट डेप मोड पे क्लिक करना है और गाइज आपको यहाँ पर स्टार्ट अप्लाइंग के ऊपर क्लिक करना है। गाइज जैसे ही गाइज अप्लाई करते हैं आपको आई हैव रीड के ऊपर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो गाइज आपको यहाँ बताएगा एप्लीकेशन सबमिट। गाइज के लिए इस प्रोसेस में आपको टाइम लग सकता है 1 या 2 आवर्स का। गाइज आपको बैक करना है और गाइज आपको क्वेरी वेरिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइज सबमिट ऑफ रिव्यू प्रोसेसिंग हो रहा है आपका, आपको जब तक आपकी अप्लाई पूरी हो जाएगी उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। सो गाइज इन डेप्थ टेस्ट में रिव्यू करने के बाद आपके पास गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको स्टार्ट अप्लाइंग के ऊपर क्लिक करके आई हैव रीड के फिर से क्लिक करना है और सबमिट फॉर एप्लीकेशन कर देना है। तो गाइज अब आप देख लें सबमिट हो चुका है, आपको बैक करना है। आपको यहाँ पर जाएगा रिव्यू सक्सेसफुल, जब तक नहीं आता तब तक आपको करते रहना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में क्वेरी वेरिफिकेशन स्टेटस के ऊपर जाना है। तो गाइज मेरा रिव्यू सक्सेसफुल हो चुका है, अब गाइज हमें यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट इन डेप्थ टेस्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो गाइज देख लें ये किया मैंने क्लिक, मेरे डिवाइस गाइज आप देख लें फास्ट बूट मोड में रन चला गया है। अब गाइज जो दूसरी फाइल है आपको उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर देना है अपने डिवाइसेस में, सॉरी अपने पीसी में। चलिए गाइज उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने से पहले फास्ट बूट मोड में जाने के बाद गाइज आपको अपना जो मोबाइल है उसको पीसी के साथ कनेक्ट करना है। चलिए गाइज चलते हैं पीसी के ऊपर। सो गाइज हमारा डिवाइस जा चुका है फास्ट बूट मोड में, अब गाइज हम अपने डिवाइसेस को करेंगे अपने पीसी के साथ कनेक्ट। तो गाइज ये देख लें ये रहा हमारे डिवाइसेस और गाइज अब हम करते हैं अपने डिवाइसेस को पीसी के साथ कनेक्ट। तो गाइज हमारे डिवाइसेस पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है गाइज, हमने कर दिया। चलिए गाइज अब चलते हैं पीसी के ऊपर। गाइज आपको जो प्लेटफॉर्म टूल का लिंक है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। चलिए गाइज चलते हैं पीसी के ऊपर। आपको गाइज ऐसी एक जिप मिलेगी, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आपकी फाइल ऐसी बन जाएगी। इसको ओपन करने के बाद गाइज आपको देख लें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले गाइज आपको अपने डिवाइसेस में ADB सेटअप करना है, जिसका लिंक आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में ADB सेटअप का मिल जाएगा। इस ऐप्स को ओपन करके आपको अपने डिवाइस में एक्सट्रैक्ट करना है और इसको ओपन करना है। तो गाइज जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको वाई क्लिक करके यहाँ पर एंटर कर देना है। तो गाइज आप देख लें नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज आपको देख लें गूगल INC। तो गाइज ये देख रहे हैं आपको बता दिया गया है गूगल की जो INC है वर्किंग एंड रेडी टू यूज। सो गाइज अब आपको यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज आप फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद ADB ड्राइवर्स आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब गाइज चलते हैं यहाँ पर। तो गाइज अब आपको यहाँ पर अपनी जो शिफ्ट बटन है और राइट क्लिक उसको एक साथ प्रेस करना है। तो गाइज शिफ्ट बटन और राइट क्लिक को एक साथ प्रेस करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर ओपन कमांड हेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा ओपन कमांड हेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज आपके सामने कुछ ऐसी एक कमांड विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर क्लिक करना है फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। जैसे आप एंटर करेंगे तो गाइज आपके डिवाइस में एक पॉपअप आएगा।
तो गाइज अब आपके जो पॉपअप आएगा उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर दो परमिशन दी जाएगी कि आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं कि नहीं। तो गाइज मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा क्योंकि गाइज मैं पहले भी अपने मोबाइल फ़ोन को डेड कर चुका हूँ। इसमें गाइज क्योंकि आपको जो बूट लोडर होता है उसमें मॉलवेयर हो सकते हैं, इसलिए गाइज मॉलवेयर से बचने के लिए आपको बूट लोडर लॉक कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो गाइज हम एंटर करेंगे तो गाइज वेटिंग फॉर एनी डिवाइस बता रहा है हमारा डिवाइस अब तक इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। ये रहा क्योंकि गाइज हमारा जो बूट लोडर है वो लॉक है इसलिए गाइज हमारा डिवाइस इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो गाइज आपको अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए गाइज आपको सिंपली बैग में जाना है और अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देना है। तो गाइज हमारा डिवाइस हो चुका कनेक्ट, ये देख लें आप नीचे यहाँ पर राइट साइड के नीचे बॉटम कॉर्नर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओपन डिवाइस, हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर शिफ्ट और राइट क्लिक को एक साथ दबा करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन कमांड हेयर का ऑप्शन। तो गाइज जैसे मैंने कि पहले यहाँ पर कमांड दी हुई थी तो गाइज आपको यहाँ पर एक पॉपअप देखने को मिल चुका है। ये रहा पॉपअप, डू यू अनलॉक द बूट लोडर एंड यू विल बी अनलॉक द बूटर, डू यू नॉट अनलॉक। तो गाइज मैं यहाँ पर डू यू नॉट अनलॉक द बूट लोडर के ऊपर क्लिक करूँगा। गाइज मुझे बूट लोडर को अनलॉक नहीं करना है। तो गाइज क्योंकि गाइज अगर आपको अनलॉक करना है तो गाइज आपको सिंपली अनलॉक बूट लोडर के ऊपर क्लिक करके पावर बटन को दबा देना है क्योंकि गाइज इससे मेरा पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। गाइज मेरे डिवाइस में बहुत सारा डाटा है इसलिए गाइज मैं इसको अनलॉक नहीं कर रहा। तो गाइज मैं डू नॉट अनलॉक के ऊपर क्लिक करके और पावर बटन को दबा देता हूँ। तो गाइज मेरा डिवाइस यहाँ पर बूट हो चुका है, फिर से ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। सिंपली गाइज इससे ये सब करने से पहले आप प्लीज़ अपने डिवाइस का बैकअप ले लें क्योंकि गाइज इससे आपका पूरा डाटा इरेज हो जाएगा। चल गाइज मेरा डिवाइस हो चुका है ऑन। अब गाइज हमारे डिवाइस का बूट अनलॉक नहीं हुआ, लेकिन गाइज मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको सिंपली बस थोड़े से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके बूट लोडर को अनलॉक कर लेना है। आपके पास रियलमी का चाहे कोई भी डिवाइस हो सभी डिवाइस में वर्क करेगा। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।